हाँ जी, तो अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 12.7, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ गॉज़ेस लॉ। गॉज़ेस लॉ जो है ये किसी भी किस्म की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ ड्रॉ गॉशियन सरफेस, यानी कि किसी भी किस्म के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप एक क्लोज्ड गॉशियन सरफेस कैलकुलेट करें, ड्रॉ करेंगे। और वो गॉशियन सरफेस किस तरह की होनी चाहिए, वो गॉशियन सरफेस इस तरह ड्रॉ होनी चाहिए कि ये उस पॉइंट में से गुजरे जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दोनों फार्मूलाज को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, इसकी एक शर्त है जी गॉज़ेस लॉ की, कि गॉज़ेस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सर्फेसिस, यानी कि ओपन सर्फेसिस के लिए आप गॉज़ेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ क्लोज सर्फेसिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर। आपके पास अगर एक होलो का मतलब होता है खाली, अगर आपके पास एक चार्ज स्फीयर हो जो अंदर से बिल्कुल खाली हो, तो उस चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, किसकी वजह से, उसकी आउटर सरफेस के ऊपर आपने चार्ज अप्लाई किया हुआ है। तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग क्यों हम ले रहे हैं, ताकि इसके ऊपर जो हम चार्ज स्प्रेड करें वो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। यहाँ पर आप देखें, एक हमने स्फीयर ले लिया, हमने कंसीडर किया कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस स्फीयर के आउटर सरफेस के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस स्फीयर का अपना जो रेडियस है वो है आर, और अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक गॉशियन सरफेस जो है वो ड्रॉ करनी है। वो मैंने एक डॉटेड स्फेरिकल सरफेस जो ड्रॉ की है, ये है हमारी गॉशियन सरफेस जिसका रेडियस क्या है, आर प्राइम। ये रेडियस इस रेडियस से बड़ा है जो कि यहाँ पर लिख दिया मैंने। अच्छा जी, कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। कंसीडर अ गॉशियन सरफेस टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इट इज़ एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। गॉशियन सरफेस क्या होती है, एक इमेजिनरी सरफेस होती है जो क्लोज फॉर्म में होती है, और ये उस पॉइंट में से गुजरती है जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करना होती है। तो इस होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप गॉशियन सरफेस जो है वो ड्रॉ कर लें, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड आउट कर सकें। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है अप्लाइंग गॉज़ेस लॉ। गॉज़ेस लॉ का क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्साइलन नॉट। अब इस सरफेस की तरफ आएँ, इस सरफेस की तो आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज है ना, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर तो चार्ज जीरो है। तो इसका मतलब है अगर इस सरफेस के अंदर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम अगर देखें चार्ज तो वो क्या है, ज़ीरो। तो चार्ज यहाँ पे क्यू हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट, एनीथिंग ज़ीरो ओवर एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है यहाँ से फ्लक्स किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। अभी फ्लक्स का सेकंड फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू ई ए, फ्लक्स पहले ज़ीरो हो चुका है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ज़ीरो को पुट कर देंगे, ज़ीरो इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब यहाँ पर एरिया तो हमारे पास ज़ीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि इस सरफेस का कोई एक सर्टन एरिया है हमारे पास, तो क्या ज़ीरो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ई इज इक्वल ज़ीरो पुट कर देंगे। यहाँ से हमें क्या पता चला कि इनसाइड द होलो स्फीयर इट इज़ अ फील्ड फ्री रीजन, मतलब कि अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज है लेकिन ये अंदर से खाली है, तो अंदर चूँकि चार्ज नहीं है तो ये एक फील्ड फ्री रीजन होगा।